किया जा सकता है क्योंकि टफ नहीं है, बस कॉम्प्लिकेटेड है। आप अगर बुरा हो गया। एक्चुअली वो लोग क्वेश्चन सोच के आते नहीं है, बिल्कुल ठीक है, यार, वो वहीं पे बैठ। देखिए सिर्फ तो कुछ भी नहीं करना, सब कुछ तो करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। देखिए तो न्यू एस्पिरेंट इस टाइम क्या करें, कैसे तैयारी करें पुराने? सिर्फ तो कुछ भी नहीं करना, सब कुछ तो। दो चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि कम चीज़ों को ज़्यादा बार पढ़े, बहुत टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं। मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है कुछ, कोई भी किताब नहीं। एनसीईआरटी लिफ्ट लगा है, अगर ले सकते हैं तो आप ले लीजिए। बिल्कुल सर, एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पढ़ रहे हैं आज के दिन, आप यूपीएससी नहीं निकालेंगे आज के दिन। मतलब मुझे लगता है कि दिमाग थक जाता है, बिल्कुल देख देख बिल्कुल के दिमाग थक जाता है। फिर प्रॉपर होते हैं वो भी बोलते हैं, आपने भी सुना होगा। तो क्या 4-5 घंटे पढ़ना सफिशियंट है? देखिए जो पढ़ सकता है वो पढ़ना चाहिए उसको 12 घंटे। बिल्कुल बट मेरे पास जॉब के बाद टाइम नहीं था, टाइम होता तो मैं उसमें भी 8 पढ़ता, 8-9, 7.5-8 जो भी है। लेकिन किया जा सकता है क्योंकि ये एग्ज़ाम मुझे जो लगता है टफ नहीं है, बस कॉम्प्लिकेटेड है। जी, आप अगर देख लीजिए मेंस में, अगर आप एथिक्स वगैरह में, एसए में इजीली स्कोर कर सकते हैं, और आपको ऑप्शनल में करना ही पड़ेगा, ऑप्शनल के बिना तो कोई तोड़ नहीं है। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन जिसके पास ऑप्शन है ज़्यादा पड़े। लेकिन एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पढ़ रहे हैं और वो चीज़ 2-4 दिन बाद भूल जा रहे हैं, या पढ़ते समय आप बस दिमाग में कुछ बैठ नहीं रहा है, तो फिर वो दिक्कत तो करेगा। तो सर बात करें, जैसे आपने कहा जो भूल जाते हैं चीज़ें, या फिर याद रखने के लिए, क्या आप रिवीजन करते थे? रिवीजन करते थे तो किस साइकिल में करते थे? डेली, वीकली या मंथली, कैसे रिवीजन करते थे आप? एक तो जब कोर्स पढ़ा रहा है तो जो क्लास में पढ़ा उस दिन एक बार कर लिया, फिर एक आध महीने बाद उसको फिर से देख लिया। प्रीलिम्स से पहले 3-4 बार कर लिया था और मेंस से पहले 1-2 बार कर लिया। लेकिन टेस्ट सीरीज और PYQ लगाते जा रहा था, थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठ जाता है, ज़्यादा लंबे समय के लिए बैठ जाता है टेस्ट दे दे के। जैसे जब आपके साथ प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ तो मेंस के लिए आपने आंसर राइटिंग करी, तो कितने दिन आंसर राइटिंग कर दी और कितने दिन में आप घंटे आंसर राइटिंग करते हैं? एक तो मेरे पास, मैं जॉब में था तो मैं बहुत ज़्यादा जी कर नहीं सकता बिल्कुल, था, लेकिन टेस्ट देने पे मेरा फोकस था। मैंने सोचा कि अगर मैं सब कुछ पढ़ के सारा फिर टेस्ट देना स्टार्ट करूँगा, फिर तो इस साल की तैयारी नहीं हो रही है, तो 2025-24 की तैयारी होगी उस इन दैट सेंस। तो मैंने सोचा कि इसको रिवर्स इंजीनियर करते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आंसर समझते हैं। फिर 10-12 मतलब पर पेपर 3-4 टेस्ट के बाद आइडिया लगने लग गया कि क्वेश्चन एक ही चीज़ें, 1-2 चीज़ों पे रिपीट हो रहे हैं। और इनफैक्ट फाइनल डे भी पेपर मेंस में तो ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज जैसा ही आता है। मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि आपने सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाया है और आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा एक मॉक टेस्ट का है? डेफिनेटली जी सर। बात करें इंटरव्यू की, सर जैसे आप इंटरव्यू देके आ रहे हैं अभी, तो कितने टाइम आपका इंटरव्यू चला और कैसा रहा? कौन किस मतलब बोर्ड, कौन सा बोर्ड का नाम क्या देखें? मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 25 मिनट चला होगा। जी मेरे बोर्ड के चेयरमैन थे श्री संजय वर्मा, और ठीक था क्वेश्चन, जनरल जनरल चीज़ें थी। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन थे या डेप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, या फिर आपके ऑप्शन वैसे क्वेश्चन पूछे? करंट अफेयर्स से ही ज़्यादा थे, नहीं, डैफ से ज़्यादा थे। करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन थे। एक्चुअली वो लोग क्वेश्चन सोच के आते नहीं हैं, ठीक है, बिल्कुल वो वहीं पे बैठ के जो जो तुमने बोला उससे वो अगला क्वेश्चन बना लेते हैं। बिल्कुल। हैं तो सर आपकी हॉबी क्या है? मैं आजकल तो जिम जाता हूँ, और कॉलेज और स्कूल में हॉकी खेलता था, कभी कभी ट्रैकिंग चले जाता तो हूँ। हॉकी वगैरह पे आपसे क्वेश्चन पूछे उन्होंने? हॉकी पे पूछा, ट्रैकिंग पे पूछा। तो किस टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ याद हो? एक आध दो क्वेश्चन हॉकी आपको पे ये याद हो? पूछा कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तुम कैसे देखते हो इंडियन हॉकी को। और ट्रैकिंग पे पूछा कि उत्तराखंड का हूँ मैं, तो उत्तराखंड में कैसे, मतलब ऐसा लगता था कि स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बना देंगे, लेकिन ऐसा बन नहीं बिल्कुल। पाया, 20 साल में क्या दिक्कत हो गई, ये सब पूछा। बात करें प्रीलिम्स की, तो अभी 3 शायद 3 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के लिए जो आने वाला है, तो न्यू एस्पिरेंट इस टाइम क्या करें, कैसे तैयारी करें? पुराना पढ़ाएं या सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करें या सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएं? देखिए सिर्फ तो कुछ भी नहीं करना, सब कुछ तो करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। जी दो चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो चीज़ शॉर्ट नोट, जो आपके नोट्स या शॉर्ट नोट्स हैं वहाँ से जो क्वेश्चन आए, 25, 30, 22, 12, 18 जितने भी आए, वो गलत नहीं होने चाहिए। वो गलत होंगे तो फिर बहुत मुसीबत होगी। दूसरा चीज़, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना पढ़ें, कम चीज़ों को ज़्यादा बार पढ़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढ लें और उसको ज़्यादा बार पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक एक बार पढ़ने से फिर पेपर में ऐसा लगेगा यार देखा था कहीं लेकिन याद ही नहीं आ याद रहा ही है। नहीं आ रहा है। हाँ कम चीज़ों को ज़्यादा बार पढ़ें, बहुत टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट दें। जी सर, बात करें सर एनसीईआरटी की, आपने जब शुरुआत की थी अपने तैयारी की, तो क्या एनसीईआरटी को पढ़ा था आपने या फिर नहीं पढ़ा था? नहीं मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है कुछ, कोई भी किताब नहीं। एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा आपने? स्टैंडर्ड बुक भी नहीं पढ़ी है, मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी। सॉरी, ऑनलाइन कोचिंग। तो कुछ लोग कहते हैं हम तो सेल्फ स्टडी करके आते हैं, तो आपको क्या लगता है सेल्फ स्टडी हो सकता है, या फिर सेल्फ स्टडी से अगर कोचिंग लेते हो तो कितना टाइम बचता है? सेल्फ स्टडी हो तो सकता है, ये सिलेबस लेट डाउन है, लेकिन
यही है, मतलब कोचिंग थोड़ी लिफ्ट जैसी है, आप सीढ़ी से चढ़ के जा सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, लेकिन लिफ्ट लगा है, अगर ले सकते हैं तो आप ले लीजिए। बिल्कुल सर। पर अब अंत में सर लास्ट क्वेश्चन की कोई जो हमारे एस्पिरेंट है जो इस हम वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए कुछ 5 टिप्स बताइए UPSC की जर्नी में। पहला चीज़ कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज के दिन आप UPSC नहीं निकालेंगे, आज के दिन बस आज का काम कर सकते हो, हैं? तो महीने भर का टारगेट बनाओ, उसको हफ्ते वाइज तोड़ो, फिर दिन वाइज तोड़ के आज के दिन आज का काम कर लो, और अपनी काबिलियत के हिसाब से टारगेट बनाओ। ठीक है, दो चीज़ ये हो गया। तीसरा कह सकते हैं कि हफ्ते में मतलब थोड़ा सा ब्रेक भी ले लो, 6.5 दिन पढ़ाई करो, आधा दिन ब्रेक या 6 दिन पढ़ाई 1 दिन ब्रेक, क्योंकि वो उससे थोड़ा सा रिजुविनेट हो जाता है दोबारा, नहीं तो आप बैठे बैठे ऐसा लगेगा कि क्या ही कर रहा हूँ ज़िंदगी में, थोड़ा खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरा कंसाइज मटेरियल पढ़ो, कम चीज़ों को बहुत ज़्यादा बार पढ़ो तो एटलीस्ट जो चीज़ें हैं वो रिलेट होने लगेंगी, और टेस्ट तो देना ही देना है, इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर एक और क्वेश्चन है सर कि सोशल मीडिया के इस टाइम पे क्या इंस्टाग्राम चलता है, यूट्यूब है या फेसबुक व्हाट्सअप है, तो रील्स बहुत ज़्यादा लोग स्क्रॉल करते हैं, बोलते हैं कि 2-2 घंटे निकल जाते हैं टाइम के बाद, तो क्या आपने इंस्टाग्राम अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखा था, फेसबुक व्हाट्सअप जो भी है? नहीं, व्हाट्सएप तो है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम है, फ्रेंड्स और इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम नहीं किया आपने? कभी कभी कर लेता हूँ, फ्री हो गया तो 1-2 हफ्ते के लिए कर लिया, मेंस के बाद कर लिया। तो आपको लगता है कि हाँ ये डिस्ट्रैक्शन का मार्ग है? डेफिनेटली है, क्योंकि होता है, एक रील तो होता है तो 15 सेकंड का है, बिल्कुल, लेकिन चलते जाता है वो, और उससे ना ऐसा होता है, मुझे लगता है कि दिमाग थक जाता है, बिल्कुल, देख देख के दिमाग थक जाता है, फिर पढ़ाई होती नहीं है ज़्यादा। इंस्टाग्राम और फेसबुक डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच।